الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تمام तारीफ़ और हम्दुसना उस सरापा रहमत रब्बुल आलमीन के लिए है जिसने एक बार फिर हमें और आपको अपनी इस्लाह और तरबियत के लिए यहाँ जमा होने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला हर दीनी ईमानी इस्लाही मजलिस और तर गुफ्तगु को बहुत बड़ी नेमत समझने और उसकी दिल से कदर करने की हमें तौफीक थे। ये मजालिस जब नहीं होती तो ऐसा लगता है कि जैसे दिल को जंग लगता चला जा रहा। मज़ीद अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ने अपने इस कमज़ोर और नातमा बंदे को अपनी तमाम जिस्मानी और रूहानी बीमारियों के साथ और उनके बावजूद हरमैन शरीफ़ैन की हाज़री नसीब फरमाई। और इस वक्त मैं सीधे वहीं से आ रहा हूँ और तीसरे हरम क़िबले सालिस बैतुल मुक़द्दस की हाज़री तो अभी नसीब नहीं हुई, अल्लाह करे जल्दी ही वो भी नसीब हो। लेकिन ऐसे कुछ लोगों के साथ मुलाकातें हम नशीनी तबादले ख्यालात और इस्तिफादे का मौका मिला जो बेनज़ीर और बेमिसाल बहादुरी इस्तिकामत ईमान अज़्म हौसले और क़ुरबानियों के साथ मस्जिद अक्सा तीसरे हरम तीसरे क़िबले की हिफाजत में लगे हुए।
हजारों नहीं, लाख दो लाख से भी ऊपर नौजवान शहीद हो चुके हैं। कोई दिन खाली नहीं गुजरता। जब वो कुछ नौजवानों के जनाजे शहादत का जाम नोश करके निकलते ना, लेकिन सलाम हो उन पर, उनके हिम्मत और इस्तेकामत पर, उनके ईमान पर, उनके जज्बों पर, कि उन्होंने तय कर रखा है कि हम में का एक इंसान भी जीते जी मस्जिद अक्सा को इन दुश्मनों ने इंसानियत के हवाले नहीं करें। उन हजरात की सोहबत, उनसे गुफ्तगू और मुलाकातों के नतीजे में, उनकी बरकत से ये इरादा लेकर वापसी हुई है कि अपनी विसात भर इस बात की कोशिश करनी है कि हमारा जो रिश्ता मुसलमानों ने हिंद का जो रिश्ता टूट गया है बैतुल मुकद्दस से, उस रिश्ते को जोड़ने की हर मुमकिन कोशिश करें। इसमें आपका तआवुन, आपकी दिलचस्पी, आपकी फिक्रमंदी और आपकी संजीदगी दरकार। ख़ास तौर पर मैं यहाँ के मुख्तलिफ इदारों में पढ़ने वाले अपने अजीज तलबा से कह रहा हूँ और यहाँ खिदमत करने वाले हमारे साथी उलमाए किराम, असातिज़ा और रुफका, उनसे मैं ये बात ख़ास तौर पर कह रहा हूँ। बाकी आप सब भी अल्लाह करे अपने आप को इसका मुखातब समझें। वाकई हमसे बड़ा कसूर हुआ है। रहमतुल आलम सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया था कि हर ईमान वाले को मस्जिद अक्सा हाजिर होना चाहिए। यहाँ तक कि अगर वो ज़मीन पर घिसट कर भी आए, यानी माजूर हो, चल भी न सकता, तो उसे ज़मीन पर घिसटते घिसटते मस्जिद अक्सा का सफ़र करना चाहिए और उसके बाद आपने फरमाया कि अगर कोई न पहुंच सके तो कम से कम इतना तो हरेक को करना ही चाहिए कि मस्जिद अक्सा में जो चिराग जलते हैं उन चिरागों के लिए कम से कम तेल तो भेजता रहे। ये बहुत गैरमामूली बात है। ये बात आपने बैतुल्लाह के बारे में नहीं कही, ये बात आपने मस्जिद नबवी के बारे में भी नहीं कही, लेकिन ये बात आपने मस्जिद अक्सा के बारे में फरमाई। अल्लाह ताला इसकी हमको हिम्मत दें और आसान करें
कि हमारी हलाल कमाइयों का एक हिस्सा मुस्तकिल तौर पर मस्जिद अक्सा की खिदमत और हिफाजत के काम आए। कुरान मजीद में कई मुकामात पर इस बात का जिक्र किया गया है कि ख़ास तरह की बरकत अल्लाह ने उस सरजमीन में रखी है। उस सरजमीन को अर्ज़ मुकद्दसा का लफ्ज़ बोला है, का नाम दिया है कुरान मजीद ने। तो जो इंसान जितना ज़्यादा उस सरजमीन से वाबिस्ता होगा, ताल्लुक़ रखेगा, याद रखेगा, हालात मालूम करता रहेगा, कुछ हिस्सा लेगा उसकी खिदमत और हिफाजत में, इंशाअल्लाह उसी के बकदर वहाँ की बरकतें उसको नसीब होंगी। और जब हक और बातिल के दरमियान फैसला कुन मुकाबले का वक्त आता है और हक के और इंसाफ के गलबे का वक्त करीब होता है, तो उस वक्त अल्लाह ताला इंतखाब करते हैं, छांटते हैं अपने उन बंदों और बंदियों को जो हक की हिमायत में खड़े होंगे। जो हक और अहले हक के दिफा में खड़े होंगे, जो मददगार बनेंगे हक के और अहले हक के, और बकिया लोगों को, मर्दों और औरतों को, वो चाहे लाखों करोड़ों की तादाद में, उनको हक की हिमायत से महरूम करके बातिल का मददगार बनाकर खड़ा कर देंगे। ये वो दौर है, मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, लेकिन मुझे इस बात का इतना दुख होता है, और अल्लाह ही हिम्मत देता है, वरना तो इंसान की हिम्मत टूट जाए, कि लाखों लोग सुनते हैं बातें, लेकिन ये इतनी संगीन बात भी लोगों को बेचैन नहीं करती। मुझे तो अब तक एक बंदा नहीं मिला। ये बात कि पता नहीं मैं हक के लश्कर में खड़ा होऊंगा या दज्जाल का साथी बनूंगा, कुछ खबर नहीं। ये बात क्या ऐसी है कि उसको आप सुन के उठ के चले जाएं? क्या ये बात ऐसी है कि लोग सरे राह मुझसे मिलते हैं हज़ारों की तादाद, जिनको मैं जानता भी नहीं, और हज़रत आपके बयानात यूट्यूब पर माशाल्लाह मैं पाबंदी से सुनता हूँ, इस तरह कहते हैं कि जैसे किसी शायर को उसकी गज़ल की दाद दे रहे हैं। वो ये समझते हैं कि ये बात जब मैं सुनूंगा तो खुश होगा। उन्हें नहीं मालूम कि मुझे मेरे दिल पर खंजर चलता है कि तुम क्या सुनते हो, क्या तुम्हारे माल के खर्च में कोई तब्दीली आई, क्या तुमने ज़िंदगी में अपने वक्त के इस्तेमाल की तरतीब में कोई तब्दीली की, क्या तुम बेचैन होकर बाद में आकर मिले कि अगर ये फैसला कुन वक्त है तो आप मुझे साफ साफ बताइए, मैं हक
के जमात में हक की मददगार बनना चाहता हूँ, मैं बातिल का मददगार नहीं बनना चाहता। उसकी ठीक अमली तरकीब बताइए। कोई नहीं पूछता। मुझे हैरत है कि क्या हो गया है लोगों को। वो सिर्फ इतना ही काफ़ी समझते हैं कि हज़रत दुआ फरमाइएगा, और वो भी ख़ास बात यह कि हर शख्स ये कहता है मेरे लिए ख़ास दुआ कीजिए। रिश्ता आपसे आम भी नहीं है और दुआ आपको ख़ास चाहिए। अजीब बात है, मजाक है। कोई मुझे एक वाकया बता दे कि किसी सहाबी ने अल्लाह के रसूल से आकर ये कहा हो कि मेरे लिए ख़ास दुआ कीजिए। एक वाकया। ये सब झूठ है, ये निफाक है, ये मक्कारी है, ये अपने नफ्स को झूठी तसल्ली देने का सामान है। दुआ करवाई नहीं जाती, दुआ ली जाती है। सिद्दीक अकबर ने दुआ करवाई कभी नहीं, लेकिन जब ग़ज़वे तबूक के मौके पर पूरा माल, पूरा घर में जो कुछ था, हज़रत सिद्दीक अकबर गरीब सहाबा में नहीं थे, बहुत बड़ा कारोबार था उनका, वो सब कुछ ला के रख दिया अल्लाह के रसूल के पास, तब भी दुआ की दरख्वास्त नहीं की। इसलिए कि वो जानते थे कि दुआ करवाई नहीं जाती, ऐसा अमल किया जाता है कि दुआ खुद दिल से निकले। दुआ लेने में और दुआ करवाने में बहुत फर्क है। मैं इसलिए ये बातें साफ साफ कहने की कोशिश करता हूँ कि शायद अब भी किसी की समझ में आ जाए। हमारा ये जो मजमा बना है तबलीग की मेहनत से और बुज़ुर्गों की इस्लाही मजालिस में दिलचस्पी लेने वाले, इसमें बहुत सी खूबियाँ भी हैं, लेकिन ये पूरी बात नहीं समझ पा रहा है। ये एक जगह पर आकर ठहर गया है। ये नहीं समझता कि जुल्म की ताकतों को कमज़ोर करने के सिलसिले में और इंसाफ की कोशिशों को मजबूत करना, इसमें भी हमारा हिस्सा होना ज़रूरी है। मैं कह रहा हूँ ज़रूरी है। और ये बिल्कुल जहन में रखें, ये बात मज़ीद अल्लाह करे आज ये वाज़े हो जाए और इसकी याद दहानी हो जाए उन लोगों के लिए जो इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, जान चुके हैं, कि उम्मत से, उम्मत मुस्लिमा से अल्लाह राज़ी है या नाराज़। और जब उम्मत मुस्लिमा से अल्लाह राज़ी हो जाता है, जब बैतुल मुक़द्दस उम्मत मुस्लिमा के हवाले हो जाते हैं, यह हज़ारों सफ़ात का निचोड़ है। जब दुनिया में अल्लाह ताला इंसाफ के निज़ाम को कायम करने का फ़ैसला करते हैं, एक लफ्ज़ आजकल बहुत बोला जाता है, वर्ल्ड ऑर्डर, जब अल्लाह ताला इंसाफ की बुनियाद पर कायम होने वाले वर्ल्ड ऑर्डर को दुनिया में नाफिज करने का फ़ैसला करते हैं, तो सबसे पहले इंसाफ का निज़ाम बैतुल मुक़द्दस में कायम होता है। याद रखिएगा, जब तक बैतुल मुक़द्दस में इंसाफ का निज़ाम कायम नहीं होगा, दुनिया में किसी मुकाम पर भी इंसाफ का निज़ाम कायम करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं हो पाएगी। जो फ़ैसला अल्लाह ताला इस दुनिया में नाफिज करने का फ़ैसला करते हैं,
जो निज़ाम उतारने का वो पहले बैतुल मुक़द्दस में नाफिज होता है। अल्लाह ने उस ज़मीन के अंदर, उस जगह के अंदर कुछ ऐसी गैर मामूली ग़ैबी राज रखे हैं। हम हर चीज़ की वजह को नहीं समझ सकते। शब कदर में क्या राज है कि उस एक रात की इबादत हज़ार महीनों की इबादत से बेहतर, कौन बता सकता है कि उसकी ये वजह है। रमज़ान तमाम महीनों के मुकाबले में इस कदर मुकद्दस, अफजल, बाबरकत महीना है, कौन बता सकता है कि उसकी क्या वजह है। वो ज़माना हो, दिन हो, महीना हो, रात हो, कोई शहर हो, कोई जगह हो, जिसको चाहे अल्लाह किसी ख़ास खसूसियत से नवाज दे। अल्लाह करे आप सब के दिल में जो यहाँ हैं या कहीं से बैठकर इस गुफ्तगू को सुन रहे हैं, ये जज्बा पैदा हो कि अल्लाह हमें भी वहाँ पहुँचा दीजिए और अल्लाह हमारा भी कुछ हिस्सा उसकी खिदमत, उसकी हिफाजत में लगा दीजिए। बेशुमार हदीसों में रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बता गए हैं कि इस दुनिया के खात्मे से पहले, क़यामत से पहले, आखिरी ज़माने में उम्मत मुस्लिमा पर दुनिया की मुख्तलिफ हुकूमतों की तरफ से सख्त मजालिम के पहाड़ तोड़े जाएंगे। हर तरफ जुल्म और सितम का दौर दौरा होगा और ज़मीन जुल्म से भर जाएगी। इस बात की वजाहत की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम यकीनन उसी दौर में हैं। ये वही दौर है, दिन ब दिन जुल्म का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। और जो लोग ये अल्लाह के रसूल की बातों को जानते हैं और उन बातों पर यकीन रखते हैं, उन्हें बढ़ते हुए जुल्म को देखकर कोई घबराहट हो ही नहीं सकती, कोई खौफ, कोई मायूसी हो ही नहीं सकती। बल्कि उल्टा, जितना जितना वो जुल्म को बढ़ता हुआ देखते हैं, उतने ही उनका ईमान बढ़ता है कि अल्लाह के रसूल के सच्चे रसूल होने की ये दलीलें कि वही जो आप फरमा गए थे वही हो रहा है। इन हालात से ईमान कमज़ोर क्या होता, इन हालात से ईमान उल्टा मजबूत होता है। हकीकी ईमान वालों का, जो जानते हैं कि जो हो रहा है ये तो वही हो रहा है जो अल्लाह के रसूल ने बताया था। हाज़ा मा वअदा अल्लाहु व रसूल। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ और भी बताया था, जो कुछ आपने इसके अलावा और बताया था उसका खुलासा ये है कि फिर जुल्म अपनी आखिरी इंतहा पर जब पहुंच जाएगा तो उस वक्त अल्लाह ताला इस उम्मत में से एक मर्द मुजाहिद को खड़ा करेगा।
और वो मर्द मुजाहिद खुद अल्लाह के रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलाद में से होगा, आप ही की नस्ल में से होगा, और उसकी मेहनतों और कुर्बानियों के नतीजे में एक ऐसा इंकलाब दुनिया में आ जाएगा कि दुनिया से जुल्म और नाइंसाफी का बिल्कुल खात्मा हो जाएगा और पूरी ज़मीन अदल व इंसाफ से भर जाएगी, हर तरफ अदल व इंसाफ का दौर दौरा हो जाएगा और बड़ी बरकतें दुनिया में फिर से आएंगी। मुतअद्दिद हदीसें मेरे सामने इस वक्त हैं लेकिन मैं उन सब को नकल करूंगा तो काफ़ी वक्त लगेगा। सुनने इब्ने माजा की एक हदीस नकल करता हूँ, उसका मफहूम जो उलमा और तलबा हैं वो उसका असल इबारत देख लें। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से यह हदीस नकल की गई है सुनने इब्ने माजा में, उसमें तफसील ये बयान की गई है कि मुसलमान ईमान वाले बैतुल मुकद्दस में जमा होंगे, फजर की नमाज का वक्त होगा और लोग नमाज के लिए खड़े होंगे और उनके जो इमाम एक बहुत मर्द सालेह मर्द मुजाहिद होंगे। मैं मर्द सालेह के साथ मर्द मुजाहिद के लफ्ज़ जानबूझकर बोल रहा हूँ क्योंकि ये बैत मुकद्दस में कोई खानकाह नहीं चला रहे होंगे, ये वहाँ मुसल्लह जिहाद कर रहे होंगे, ज़बरदस्त किस्म की जंग के कायद होंगे, ये पूरी दुनिया को जुल्म फहाशी और फितना और फसाद से भर देने वाली असल शैतानी ताकत यहूदियों के मुकाबले में सरगर्मी अमल होंगे। दुनिया भर के मुसलमान उनके मददगार बनकर बैत मुकद्दस में जमा होंगे, फजर की नमाज का वक्त होगा और ये मर्द सालेह मर्द मुजाहिद इमामत के लिए आगे बढ़ेंगे। इकामत फजर की नमाज के लिए कही जा चुकी होगी कि अचानक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों से तशरीफ़ ले आएंगे। मुझे अल्लाह ताला ने अपने करम से इस सफ़र में नहीं पहले वो मस्जिद की वो जगह भी दिखा दी जिस जगह ईसा अलैहिस्सलाम के उतारे जाने की उतरने की खबर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। ये हदीस पूरी तफसीली रिवायत के साथ सुनने इब्ने माजा में भी है और सही मुस्लिम में भी है। जिस रुख पर इस वक्त पूरी दुनिया के हालात जा रहे हैं उसके हवाले से मैं फिर एक बार अर्ज करता हूँ, अपनी ज़िंदगी से गुनाहों को निकालना, इसमें देर मत करें, टाले मत कि हाँ इंशाल्लाह कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। अक्सर इरादा तो है लेकिन जितनी उजलत की ज़रूरत है अपनी ज़ाती ज़िंदगी की इस्लाह, अपने अंदर से तमाम किस्म के मैल कुचैल को निकालना, चाहे वो ज़ाहिरी गुनाह हो
बदनजरी है, झूठ है, आमदनी में हलाल और हराम का फर्क न करना है, नमाजों के सिलसिले की सुस्ती, बेपर्दगी और बेहयाई के लाइन के गुनाह, गलत तस्वीरों को देखना, गलत कहानियों, नुकसानदेह कहानियों का पढ़ना, चाहे वो ज़ाहरी गुनाह हो चाहे वो अंदर के गुनाह हो, हसद, गुरूर, तकब्बुर, बदगुमानी, किसी से जलन, किसी के खिलाफ साजिशें करना, किसी को खुशियां मिलते हुए देखकर गमगीन होना, बहुत खबीस गुनाह हैं। और अक्सर वो लोग जो नमाज रोज़ा तो करते हैं मगर इन गुनाहों में फंसे हुए, ख़ानदानों में झगड़े, सास और बहू के झगड़े, ससुराल और मैके के झगड़े, बिजनेस के पार्टनर के झगड़े, भाई भाई के झगड़े, जायदाद के झगड़े, मुकदमेबाजियाँ, किसी भी दौर में ये सब चीज़ें मुनासिब नहीं। ख़ास तौर पर इस वक्त, किस वक्त हमारा नाम कौन सी फहरिस्त में लिख दिया जाए ये कहना मुश्किल। काश के मैं उस तरह कह सकता जिस तरह मेरे बाद असातिज़ा कहा करते थे कि होश के नाखून लो, अल्लाह के यहाँ फहरिस्तों में नाम लिखे जा रहे हैं, तुम्हारा नाम दज्जाल के मददगारों में न लिख दिया जाए, इसकी फिक्र करो। अगर तुम झूठे हो, अगर तुम मक्कार और धोखेबाज हो, तो तुम सवाल ही नहीं पैदा होता कि तुम अहले हक की लश्कर में शामिल हो सको, तुम उधर ही जाओगे। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे और हमें अक्ल सलीम अता फरमाए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला हिजरत से चंद दिन पहले मेराज के सफर पर ले गया। बड़े शदीद सदमे से दो चार हुए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 3 दिन के फासले से जनाब अबू तालिब और हज़रत खदीजा, इन दोनों का इंतकाल हो गया। ये दोनों अल्लाह के रसूल के लिए बड़ी तक़वियत का सामान थे, बड़ा सहारा मिलता था इनसे। अबू तालिब मक्के की सबसे बुजुर्ग शख्सियत, उनके एहतराम में लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुद फिजिकली हाथ नहीं उठा पाते थे। एक सरपरस्ती और हिमायत, बुजुर्गाना शफकत के साथ अबू तालिब की अल्लाह के रसूल को हासिल थी। अल्लाह ताला के अजीब फैसले हैं, किसको किस हद तक अल्लाह तौफीक देते हैं, किस हद तक नेकी की तौफीक किसी को मिलती है, ये अल्लाह के हाथ में है। कोई इस्तेहकाक का दावा नहीं कर सकता।
और सैयदा खदीजा तो आपकी गमगुसार वफादार शरीक हयात थी। अब जो अल्लाह के रसूल के दिल पर गुजरी इन दोनों सहारों के उठ जाने के बाद, और वो भी इतने कम वक्फे में, याद रखें कि ऐसे हालात शायद अल्लाह ताला की तरफ से इसलिए गुजारे जाते हैं अपने मुकर्रब बंदों पर कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि वो जो ज़ाहरी तौर पर थोड़ी सी उम्मीद मेरे अलावा किसी और से है वो भी ख़त्म हो जाए, ताकि ये बंदा सिर्फ मुझसे उम्मीद रखे, हर तरफ से सहारे मुनक़ते हो जाए। इसीलिए शायद अल्लाह के रसूल की दुआओं में से एक दुआ ये भी है, अल्लाहुम्मा या सनद मल्ला सनद ला, اللهم يا رجاء من لا رجاء له انقطع الرجاء الا منك اللہ جس کا کوئی سہارا نہیں اب اکیلے اس کا سہارا ہے۔ ایسے حالات گزارے جاتے ہیں کہ جب کوئی ایک بھی بندہ کوئی مخلوق ظاہری طور پر हिमायती और मददगार बाकी नहीं रह जाते, और इसीलिए आप उस दोनों के इंतकाल के बाद आपने ताइफ का सफर किया, क्योंकि आप ये सोचते थे कि मक्के में तो कोई है नहीं, अबू जहल है, अबू लहब है, इस तरह के लोग हैं, लेकिन मैं ताइफ जाऊं, दूध के रिश्ते से वहाँ मेरा ननिहाल है, जिस खुशनसीब औरत ने आपको दूध पिलाया था बीबी हलीमा, वो ताइफ की रहने वाली थी, तो आप इस उम्मीद पर वहाँ गए कि अबू तालिब का इंतकाल हुआ वो चचा थे, हज़रत खदीजा गईं वो बीवी थी, वहाँ चला जाऊँ शायद उनको ख़्याल हो कि मेरा भांजा ही तो है जिसने मुझे दूध पिलाया था, कोई उनका भाई होगा, वो मुझे अपना भांजा समझकर शायद कुछ नरम रवैया इख्तियार कर ले। अल्लाह अकबर। लेकिन अल्लाह का मंसूबा तो कुछ और था, ताइफ में तो आपको उन हालात का सामना करना पड़ा जिनके बयान करने का न मुझ में यारा है ना आप सुन सकेंगे। जब आप पहुँचे उन सब के पास, कोई मामू, कोई खालू, कोई नाना, तो यहाँ तो मक्के वालों ने तो आज तक ये सलूक नहीं किया था जो उन्होंने किया, वो तो खुद ही मजाक उड़ाते रहे, अजीब अजीब किस्म के तबसरे उन्होंने किए, और फिर आखिर इलाके के गुंडों बदमाशों को इशारा कर दिया कि हमारी तरफ से छूट है, जो कर सकते हो करो, और फिर जो घेरा है उन लोगों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को, और चारों तरफ से पत्थरों की बारिश कर दी, आप कभी इधर मुड़ते, कभी इधर मुड़ते, कभी इधर मुड़ते, कभी इधर के पत्थर से बचते, कभी उधर के पत्थर से बचते, यहाँ तक के एक मौके पर शायद आपने ये कहा कि मैं तुम्हारी तरफ पीट के लेता हूँ, मेरी बात तो सुनते रहो, तुम पत्थर मारना बंद मत करो, मगर मेरी बात तो सुनो, तुमसे क्या कहने आया। मगर जालिमों ने
इतना पथराव किया कि आप गिर पड़े, आपका पैर टूट गया, खून के फुवारे बह गए। ईसाई शख्स वो अंगूर का खोशा लेकर बाग से आया, आपको पेश किया। वो उस इलाके का जो बाग का रखवाला था, और आपने वो जख्मी हालत में जो आप थके हारे पैर को धुलाया, साफ किया जख्मों को, और फिर आपने जो अंगूर उठाया और कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो वो ईसाई हैरान रह गए। उसने कहा कि ये क्या कह रहे हैं आप? तो आपने फरमाया मैं वही कह रहा हूँ जो अल्लाह के नबियों ने कहा था। किस हालत में आप वहां से वापस आए? वो ताइफ का वो पहाड़, वो जगह और वो जाना, वो रास्ता ताइफ का इतना मुश्किल रास्ता है कि उसको देखते रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आकाए दो जहां किन तकलीफों को बर्दाश्त करके वो पहाड़ पर चढ़े होंगे उतरे होंगे। हम दो मीटर नहीं चढ़ पाएंगे उस पहाड़ पर। कोई सड़क नहीं है, कोई रास्ता उस वक्त नहीं था, और इतनी मशक्कत के बाद ये बर्ताव। इस हालत में जब आपको देखा आलम मलकूत में फरिश्तों ने, तो शायद मेरी ये ताबीर सही हो कि फरिश्तों की दुनिया में एक जलजला, और फरिश्तों ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह अब हमसे देखा नहीं, अब आप हमको इजाज़त दीजिए, इन जालिमों को हम ऐसी सज़ा दें कि इनकी इनका वजूद ही बाकी न रहे। अल्लाह के बहुत से अहकाम, बहुत से फैसले हज़ीरतुल कुद्स या आलम मलकूत मलाइका के अंदर की जो कैफियात होती हैं उसके रोशनी में अल्लाह की तरफ से कोई हिदायत या इजाज़त आती है। ऐसा लगता है कि फरिश्तों की उस वक्त की जो कैफियत थी उसकी रियायत करके अल्लाह ने इजाज़त दे दी कि जाओ, मेरी तरफ से इजाज़त है कि तुम इन बदबख्तों को सबको चुन चुन कर हलाक करो, एक न बचो, मेरी तरफ से इजाज़त है। मगर एक बात का ख्याल रखना, मामला मोहम्मद का है तो अजाब की कार्रवाई शुरू करने से पहले उससे भी पूछ लेना मोहम्मद की क्या राय। अल्लाह अकबर, मुझे नहीं मालूम कि कभी किसी और फैसले में भी अल्लाह ने ऐसा अंदाज इख्तियार किया। नूह अलैहिस्सलाम की कौम को अजाब देने से पहले क्या अल्लाह ताला ने यह कहा था कि नूह से पूछ लेना? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अजाब देने से पहले क्या फिरौन को गर्क दरिया करने से पहले ये कहा था कि मूसा से पूछ लेना? ये मुकाम शायद सिर्फ रहमतुल लिल आलमीन का था। ऐसा लगता है कि जल्ला फरिश्तों को बताना चाहते हैं कि देखो तुम इस वक्त बहुत जलाल में हो, मैं तुमको मना नहीं करता, लेकिन तुम बहुत कुछ जानते हो, उसके बावजूद मेरे महबूब के अखलाक को तुम भी नहीं जानते, तुम भी नहीं समझते कि मैंने रहमतुल लिल आलमीन का लकब क्यों दिया। जाओ, खुद जाओ, मैं नहीं मना करूँगा तुम। चुनाचे वो मुझे लगता है कि महवे हैरत हो गए होंगे फरिश्ते जब वो हाजिर हुए और उन्होंने आकर अल्लाह के रसूल से कहा कि अल्लाह के रसूल आपके साथ ये जो हुआ है ये बर्दाश्त के लायक नहीं है, हमने अल्लाह से जो इजाज़त ले ली है, हम आए हैं दोनों पहाड़ों के बीच में, इन ताइफ वालों को पीस कर रख देंगे, एक के नामो निशान बाकी नहीं रहेगा, मगर अल्लाह ने यह कह दिया है कि आपसे पूछ लेना। हुजूर ने आसमान की तरफ चेहरा उठाया, कहा अगर अल्लाह ने
मेरी राय पर मौकूफ रखा है, तो अल्लाह मैं आपसे कहता हूँ आपने मुझको लानत भेजने वाला, अजाब दिलवाने वाला नबी बनाकर नहीं भेजा है। आपने मुझको रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है। अल्लाह इनको फरिश्तों को वापस बुला लीजिए, मैं इंतज़ार कर लूँगा। अगर ये लोग नहीं तो इंशाल्लाह आइंदा इनकी औलादों में तो कोई तो मुझे पहचानेगा। और हुजूर का गुमान इतना दुरुस्त हुआ कि उसी ताइफ के इलाके के एक फर्द के ज़रिए से ये पूरा बर्र सगीर हिंदो पाक, ये नेपाल, ये श्रीलंका, ये बांग्लादेश, ये पाकिस्तान, ये इंडिया, ये सब जो इस्लाम लाया है इसके पीछे उसी कबीले के एक फर्द की मेहनत है, उन्हीं लोगों की औलाद है जिनके ज़रिए से हमें कलमा पहुँचा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अब ताइफ से ये जख्म खाकर, और जख्म भी सिर्फ पैरों के जख्म मत सोचिएगा, आपके मुबारक कदमैन के जख्म तो लोगों ने देख लिए, बयान कर दिए, मगर आपके नाजुक और हसास दिल को जो जख्म लगे होंगे उसे किसने देखा अल्लाह के सिवा? उसे अल्लाह ने देखा, और इसीलिए अल्लाह ने ताइफ से वापस आने के बाद आपको सफर मेराज में अपने पास बुलाया तसल्ली देने के लिए, जख्मों पर मरहम रखने के लिए, और ये बताने के लिए कि मोहम्मद दिल छोटा मत करो, जमीन वाले तुम्हारी कदर नहीं जानते, आओ देखो कि आसमान वाला और आसमान वाले तुम्हें किस नज़र से देखते। क़ाबक़ौसैनी अव अदना, उस जगह तक पहुंचा दिया अल्लाह के रसूल को हज़रत जिब्रील ने कि जहां कहां हज़रत जिब्रील ने, इसके आगे मैं भी नहीं जा सकता, अगर मैं आगे बढ़ा तो मैं जला के खाक कर दिया जाऊंगा। अब आप और आपका रब कोई तीसरा नहीं। फ़ौहा इला अब्दिही मा, वो जो मुकाम था जहाँ पहुँचाया गया सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ अल्लाह और उनके दरमियान राज़ो नियाज की बातें हुईं, ये इसी ताइफ के वाक़े के बाद, और इससे पता चला तुम अगर हक़ के लिए दुनिया में कुछ तकलीफ़ बर्दाश्त करोगे, कुछ अगर ज़िल्लत बर्दाश्त करोगे, कुछ अगर परेशानियाँ झेलोगे, तो उसी के बकदर आसमानों में तुम्हारा मुकाम बुलंद होता चला जाएगा। जिनको इस पर यकीन होता है वो दुनिया की तकलीफ़ों को खातिर में नहीं लाते, आफियत अल्लाह से मांगते रहते हैं, तकलीफ़ों की दुआ कभी नहीं करते, तमन्ना भी नहीं करते, लेकिन अगर तकलीफ़ें आ जाती हैं तो फिर बर्दाश्त करते हैं। अभी जो मेराज का सफ़र हुआ इसके सिलसिले में ये बहुत अहम बात है कि सीधे मक्के मुकर्रमा से जहां आप थे उस वक्त, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो काबा बनाया था, एक वक्त आया कि सैलाब में वो गिर गया, कुरैश के अरबों ने उसकी तामीर नौ शुरू की और ये फैसला किया कि हलाल कमाई इसमें लगेगी, हराम का एक नया पैसा अल्लाह के घर की तामीर में नहीं लगेगा। तो जितना पैसा इकट्ठा हुआ चंदे से
उस से वो खाने काबा बना। अब कुछ जगह बाकी रह गई तो वो उन्होंने छोड़ दी, एक दीवार सी खड़ी कर दी जिसको आजकल सब हतीम हतीम कहते हैं। बहुत सी रिवायात के मुताबिक उसी में आप एक शब में आराम फरमा रहे थे और वहीं पर आकर हज़रत जिब्रील आए, आपको उठाया और फिर अजीब व गरीब वाक़यात हुए। आपके सीने को चाक किया गया, कल्ब अथर को निकाला गया, जमजम से धोया गया और उसमें ईमान और हिकमत रखी गई और उसको उस जगह पर दिल को दोबारा रख कर बंद कर दिया गया। अल्लाह अल्लाह करे हम में से किसी के दिल में ज़रा सा भी शक व शुबा ना आए, वरना हम मुशरिकीन के ज़ुमरे में खड़े कर दिए जाएंगे। जब मेराज का यह वाक़या हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने सुना, और वो भी हुज़ूर से बराह रास्त नहीं किसी और से, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर का जवाब था कि अगर मेरे आका रसूलुल्लाह ने ये सब कहा है तो बिल्कुल बरक। जब अबू जहल के कानों तक ये खबर पहुंची तो उसने सोचा कि आज मौका मिला है। अबू बकर तो बड़े समझदार आदमी हैं, आज मैं उनसे पूछूंगा कि ये क्या कह रहे हैं भाई, ये रातों रात पलक झपकते बैतुलमक़दस भी गए और आसमानों पर भी गए और वापस भी आए, बैतुलमक़दस पर यहाँ भी आ गए और ये सब हो गया, ये क्या कह रहे हैं? अब तो मान लो कि माज़अल्लाह ये सच्चे नहीं हैं, ये ऐसी बातें करके तुमको मुतक़िद बनाते हैं। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर का जवाब था, वल्लाहि लौ क़ाला हाज़ा सदक़, मैं अभी उनसे मिला नहीं हूँ, अगर ये उनका अपना बयान है तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। और फिर कहा सिद्दीक़ अकबर ने कि तुम हो ना अबू जहल, हम लोग उनके पास बैठे होते हैं, हमें तो कोई नज़र नहीं आता, और वो थोड़ी देर के बाद कहते हैं कि अभी आए थे अल्लाह के फरिश्ते जिब्रील और अल्लाह का कलाम और पयाम पहुँचा कर गए हैं, और वो हमको कलाम पढ़ के सुनाते हैं और हम यकीन करते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही है। तो जिसके पास रोज़ अल्लाह फरिश्ते भेजते हों, एक बार अगर अल्लाह ने उसको अपने पास बुला लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? यह है ईमानी अकल। तो अबू जहल तो था ही जहालत का अब्बा, उर्दू में तर्जुमा तो उसका यही है ना अबू जहल, अल्लाह खुश रखे उसको या उसकी औलाद को जिसने उसकी ये कुनियत रखी, कोई बड़ा आरिफ शख्स था वो। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि मस्जिद हराम से सीधे क्यों नहीं ले गए आसमानों पर, बैतुलमक़दस क्यों लाए, और बैतुलमक़दस से ऊपर ले गए और वहाँ से फिर लाए बैतुलमक़दस ही, वहाँ से मस्जिद हराम आए, जाते में और आते में दोनों में बैतुलमक़दस में क़याम हुआ, ठहरना हुआ, और अंबिया अलैहिस्सलाम सारे के सारे बैतुलमक़दस में हाजिर थे, सब अंबिया
अब वहां आपने उनको नमाज पढ़ाई, इमामत की। अब ये अलग बात है कि कुछ हजरात रिवायत ऐसी करते हैं कि जैसे जाते हुए इमामत अंबिया का वाकया पेश आए। बहुत सी रिवायात ये कहती हैं कि नहीं, वापसी में पेश आए। समझ में यही आता है कि शायद वापसी में पेश आया होगा, वरना अगर नबियों को आपने बैत मुकद्दस में देख लिया था तो मेराज के सफ़र में हर नबी से जो मुलाकात आपकी हुई है उसमें आपने पूछा है कि ये कौन है, तो बताया गया है उनको कि ये आपके भाई मूसा हैं, ये आपके वालिद इब्राहिम हैं। तो हो सकता है कि आप पहचान लेते अगर पहले ही आपने उनसे मुलाकात की है। इस तफसील में जाने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने तलबा को तफसीर का दर्स देते हुए ये इशारा कर रहा हूँ कि याद रखना, कुरान के तशरीह में, फहम में इन गैर अहम तफसीलात को ज़्यादा अहमियत मत दें, वरना हमारे जो मदरसे का जो जहन है ना, मदरसे का जो मिजाज है, एक कौल ये है, एक कौल ये है, एक कौल वो है, एक कौल वो है, और कौलों की जमा कव्वाल, उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि उस वाक़े का जो रूहानी सबक है, जो असर पड़ना चाहिए दिल पर, वो नहीं पड़ता, और एक दो तीन चार पांच कौलों ही में सारा सारी तवज्जो चली जाती। तो इन तफसीलात की थोड़ी सी अहमियत है, बस ज्यादा नहीं। आपने जाते हुए इमामत की हो या वापसी में इमामत की हो, असल मसला ये है कि अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत अल्लाह ने आपसे करवाई, और ये क्यों करवाई? अब बैत मुकद्दस क्यों लेके गए, सीधे क्यों नहीं लेके गए? अब यहां पर आकर एक बहुत अहम नुक्ता है। वो बात जो मैंने शुरू में कही थी कि अल्लाह ताला की तरफ से दुनिया में जो नया निज़ाम उतारा जाता है, नया नज़्म आलम जब दुनिया को दिया जाता है, तो पहले पहल वो उतरता है बैतुल मुक़द्दस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज से पहले, बल्कि आपकी नबुव्वत से पहले का जो निज़ाम चल रहा था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से पूरी दुनिया में तौहीदी इनकलाब आया था। तौहीदी इनकलाब, उस तौहीदी इनकलाब के कायम होने के दुनिया में दो मराकज़ थे। उन दो मरकजों से बैठकर वो दामत पूरी दुनिया को चलती थी। मुशरिकाना जाहिलियत से इंसानों को निकालने की जो मेहनत होती थी, उसके दो आलमी मरकज थे। एक मरकज था बैतुल मुकद्दस, एक मरकज था बैतुल्लाह। बैतुल्लाह जो था, यहाँ की जिम्मेदारी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी नस्ल के ज़िम्मे थी। वो चलाते थे इस मरकज़ को, वो ज़िम्मेदार थे, वो मुतवल्ली थे, और उनके ज़रिए से इस मरकज़ में बैठकर
पूरे आलम में जहाँ जहाँ पहुँच सकती थी आवाज़, वो आवाज़ लगती थी तौहीद की और अल्लाह के बंदों को जाहिलियत से आज़ादी मिलती थी। हज़रत इब्राहीम के दूसरे बेटे हज़रत इसहाक़, उन वो ज़िम्मेदार बनाए गए अल्लाह की तरफ से बैतुल मुक़द्दस के मरकज़ के। किसी तहरीक को, किसी दावत को, किसी इनकलाबी आवाज़ को एक मरकज़ चाहिए और उस मरकज़ को चलाने वाले कुछ ज़िम्मेदार चाहिए। चुनाचे ये निज़ाम चला आ रहा था कि बैतुल मुक़द्दस हज़रत इसहाक़ की औलाद जो बनू इसराइल कहलाए उन्होंने संभाला और हज़ारों अम्बिया अलैहिस्सलाम यके बाद दीगरे वहाँ आते रहे और उसी मरकज़ से बैठकर वो तौहीद का पैगाम अल्लाह के बंदों बंदियों तक पहुँचाते रहे। मक्के मुकर्रमा बैतुल्लाह के मरकज़ में हज़रत इस्माईल की नस्ल ये ज़िम्मेदारी निभाती रही। अब होता यह है कि कुछ मुद्दत के बाद ख़ानदानों में, नस्लों में ये गुमराही आ जाती है कि ये तो हमारा ख़ानदानी और नस्ली हक है, मौरूसी हक है। अब वो सिफात हों या न हों, ये अक्सर व बेशतर दीनी हलकों में ये ज़बरदस्त किस्म की गलती आ जाती है कि अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया किसी शख्सियत को तो उसकी औलादों में, उसकी औलादों की औलादों में वो सिलसिला खैर का चला और इल्म की विरासत चली, दीन की विरासत चली और उनके ज़रिए से लाखों लोगों तक हक का पैगाम पहुंचा। उसके बाद आगे आने वाली नस्लें बिगड़ गईं, वो अपने आबा अजदाद के रास्ते पर नहीं रहीं, फिर भी उनका यह जहन होता था कि भाई हम तो फलां के औलाद हैं, हम फलां ख़ानदान से हैं, इसलिए यह हक हमारा ही है। ये हम लोग अपने ज़माने में भी देख रहे हैं और दावतों का, जमातों का, इदारों का, इस्लाही इनकलाबी तहरीकों का कितना नुकसान होता है इससे, वो भी हर समझदार आदमी अपनी आँखों से देख रहा है। जब इस्तेहकाक की बुनियाद पर कोई ओहदा नहीं मिलता बल्कि विरासत की बुनियाद पर ओहदा मिलता है, पिदरम सुल्तान को मेरिट की बुनियाद पर, इस्तेहकाक की बुनियाद पर किसी को कोई मुकाम मिले, अगर वो मेरिट के साथ साथ कराबतदार भी है, बेटा पोता पर पोता नवासा कुछ है मगर सलाहियत भी उसके अंदर है तो बिना शुबा वो ज़्यादा मुस्तहिक है। लोगों में इस बारे में बहुत इफरात तफरीत है। कुछ लोगों का तो यह ख्याल है कि चाहे कोई भी हो, जैसा भी हो, होना चाहिए हज़रत का साहबजादा ही। ये पीरी मुरीदी में, खानकाही सिलसिलों में और अब तो उसके बाहर भी न जाने कहाँ कहाँ
ये नस्ली सिलसिला चल पड़ा। और हम देखते हैं कि जब तक इस्तेहकाक वाले रहते हैं तब तक वो खैर का काम तरक्की और मजबूती के साथ आगे बढ़ता है, और जब इस्तेहकाक के बग़ैर सिर्फ ये एक क्वालिफिकेशन रहती है कि फलां साहब फलां के साहबजादे हैं, फलां के पोते हैं, जबकि उनमें सलाहियत नहीं होती, तब वो चीज़ जवाल का शिकार होकर रहती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी नस्ल के लिए दुआ मांगी कि अल्लाह ये जो आपने इतना बड़ा मुकाम और जिम्मेदारी मुझे अता की है, तौहीदी इनकलाब तौहीदी दावत, बस ये आप मेरी औलादों में भी ये जिम्मेदारी चलती रहे अल्लाह, ये मैं आपसे दुआ करता। ये तमन्ना और ये दुआ करना बिल्कुल फितरी है। एक इंसान जिसको दीन की खिदमत की अहमियत मालूम है, वो क्यों ये तमन्ना नहीं करेगा कि अल्लाह करे कि मेरी औलाद भी कबूल हो। लेकिन अल्लाह ने बड़ा साफ जवाब दिया और ये फरमाया कि वो ला यनालु अहदी अव्वालिमीन, याद रखना तुम्हारी औलादों में जो ना अहल होगा उसको ये नेमत नहीं दूंगा मैं। बहुत से खानकाही सिलसिलों में कोई अगर खुली आंखों देखना चाहे तो देखे, यूपी में लखनऊ के करीब, जगह का नाम तो नहीं लूँगा, हो सकता है आप में से किसी की शादी वहाँ हुई हो तो बीवी से झगड़ा हो जाएगा कि मैं मना करती थी वहाबियों के पास मत जाया करो। तो एक पुराना सिलसिला था, बड़ा शानदार, बड़ा उसका शानदार माजी है उस सिलसिले का, उस खानकाह का, उस खानवादे का। लेकिन मेरी जवानी नौजवानी के दौर थे तो उस वक्त मुझे एक साहब ले गए कि आप इधर आए हैं, करीब में वो खानकाह है, वहाँ फना बुज़ुर्ग मदफून हैं, चलिए वहाँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ लें और फातिहा पढ़ लें। और बहुत अच्छा, मैं चला गया। तो वहाँ मौजूदा पीर साहब से, यानी उस वक्त जो गद्दी नशीन थे, उनसे मुलाकात हुई। माशाल्लाह, गालिबन सो रहे होंगे तो बकरी दाढ़ी चढ़ गई थी, बिल्कुल क्लीन शेव थे, और बकरी के चरने के बाद बिल्ली ने चाट भी लिया होगा तो बिल्कुल ही चिकना चेहरा था, और चैन स्मोकर थे, एक सिगरेट के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ये पीर साहब। और लोग आकर उनके हाथ नहीं चूम रहे थे, पैर चूम रहे थे, मर्द भी और औरतें भी। ये वो चीज़ है कि जो नस्ली, तो जब किसी के ख़ानदान में कहीं पर ये सिलसिला आ जाता है कि ना इल्म है ना अमल है ना तकवा है, बस फलां के बेटे हैं फलां के पोते हैं, तो जब ये सिलसिला आता है तो फिर अल्लाह ताला वो नेमत उधर से छीन कर किसी और को दे देते। ये जो मेराज का सफ़र है ना, और बैतुल मुक़द्दस जाना, जाते और आते में दोनों में, और नबियों की इमामत करना, अल्लाह ने दरअसल ये ऐलान फरमाया है तब्दीली का, नज़्म आलम में तब्दीली का, कि अब तक तौहीद और मिल्लत इब्राहिमी
की हिफाजत और इशाअत और दावत और इकामत, ये काम चल रहा था बनू इसराइल के ज़रिए से बैतुल मुक़द्दस में और बनू इस्माइल के ज़रिए से मक्का मुकर्रमा में। अब नबी उम्मी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मक्के से बैतुल मुक़द्दस से सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा से फिर बैतुल मुक़द्दस और वहाँ इमामत अंबिया कराकर अब जो उनको वापस मक्के भेजा। और ये ऐलान दरअसल इसके पीछे मकसूद था कि अब पूरी दुनिया की इमामत और क़ियादत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले की जाती हैं और उनके वास्ते से उनकी उम्मत में जो लोग अहल होंगे उम्मत मुहम्मदिया की इमामत में, अब पूरी दुनिया ये तौहीदी दावत का सफ़र तय करेगी। यह ऐलान मकसूद था। अब न बनू इसराइल न सिर्फ बनू इस्माइल बल्कि अब है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, अब इमामत आलम अब हवाले होगी मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुत्तबईन के, वो चाहे बनू इस्माइल में से हों तब और वहाँ से न हो तो हबशे का आने वाला स्याह चेहरे का काले रंग का छोटे कद का बिलाल यह इमाम आलम होगा। रूम से आया हुआ सुहैब न कुरैशी न हाशिमी न मुत्तलिबी न सैयद न कुछ, लेकिन अब यह सुहैब रूमी यह इमाम आलम होगा। ये ईरान से आया हुआ सलमान जो न अरबी न हाशमी न मुत्तलिबी न मक्की न मदनी, लेकिन सलमान के बारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ुबान से अल्लाह ने ये जुमला पूरे आलम तक पहुंचा दिया। आप फरमाया करते थे सलमानु मिन्ना अहलल बैत, सलमान मेरे घर का है मेरे अहले बैत में से है। वो तो अरबी भी नहीं जानते थे, वो तो फारसी बोलते थे और यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी उनको खुश करने के लिए अचानक फारसी का कोई जुमला बोल देते थे। यह हुजूर का मौजिज़ा था, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई इंसान जिसका आप एहतराम करते हो, कोई बुज़ुर्ग कोई अच्छी शख्सियत जिसका आप बहुत ही अकीदत मोहब्बत आपको हो, अब वह अचानक वो आपसे आपकी ज़बान में बोल दे। अब हमारे हजरत को मैंने कई बार देखा कि गुजरातियों से जब मुलाकात हुई तो फरमाया कैम छो, अब आगे वो जब वो गुजराती बोलने लगे हजरत ने कहा आगे नहीं आता। हाँ जुबान यार मन गुजराती ममन गुजराती नमी दानम, इतना आता है कैम छो। और एक लफ्ज और आता है बराबर छे, अब पता नहीं तुम मुझे गाली दो तब भी मैं कह दूँ बराबर छे, इसलिए कि मुझे तो पता ही नहीं तुम कह क्या रहे हो। लेकिन कितनी खुशी होती है, आदमी फिदा हो जाता है इतनी सी बात पर। चुनाचे सैयदना सलमान फारसी एक बार मस्जिद नबवी में पेट के बल लेटे हुए थे, कभी ऐसा नहीं होता था, पेट के बल लेटना खिलाफ अदब है, खिलाफ सुन्नत है, खिलाफ अक्ल है, खिलाफ शरीयत है। तो आपने बड़े ताज्जुब से पूछा, समझ गए हुजूर के, तो आपने सलमान फारसी से पूछा सलमान दर शिकम दर्द, सलमान क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? ओहो ये जो जुमला सुना फारसी में, न जाने कितने जमाने के बाद फारसी सुनी होगी, एकदम से कलाबाजी खा के सलमान फारसी खड़े हो गए, क्या बले या रसूल अल्लाह वलेकिन रफ्त, हाँ हाँ अल्लाह के रसूल मेरे पेट में दर्द हो रहा था मगर कुर्बान जाए आपके जुमले पर दर्द खत्म हो गया। तो ये जो नस्ली और मौरूसी निज़ाम इसके खात्मे का ऐलान था सफ़र मेराज और उसमें बैतुल मुक़द्दस के ले जाना,
नज़्म आलम में तब्दीली अब हो रही है। चुनांचे सारे अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत करवा कर दिखा दिया, अब बनू इसराइल हो या बनू इस्माइल हो, सब के सब मुक्तदी बन गए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। और गालिबन इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे पैदा हुए मगर बेटों की लंबी उम्र न हुई। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मशीयत। दुनिया की मुख्तलिफ तहजीबों में ख़ानदानी और मौरूसी निज़ाम ये उनके घुट्टी में पड़ा हुआ है। और वो ख़ानदानी और मौरूसी निज़ाम की वजह से चाहे वो तहरीक ख़त्म हो जाए, चाहे वो सियासी पार्टी दफन हो जाए, खुदा करे आप कुछ मेरे इशारे को समझे हो, चाहे पप्पू हो चाहे गुड्डू हो, अब तो समझ जाओगे ये क्या चीज है। वही वही मौरूसियत। अल्लाहु अकबर कबीर। सफर इसरा और मेराज, इस सफर के दो हिस्से थे, एक तो बैतुल मुकद्दस का सफर, वो सफर इसरा कहलाता है, और एक आसमानों की बुलंदियों का सफर, वो सफर मेराज कहलाता है। सफर मेराज का तज़किरा सूरह वन्नज्म में आया है। वन्नज्म इज़ा हवा मा ضل صاحبكم وما غوى। बैत المقدس तक के सफर का जो तस्किरा है वो 15वें पाले की जो पहली सूरत है, सूरह बनी इसराइल भी कहते हैं उसको और सूरह इसरा भी कहते हैं। हमें जो बात याद रखनी चाहिए, जिसकी वजह से मैंने ये बात आज इस मौजू पर कुछ गुफ्तगू की है, वो ये है कि हम वहाँ से दूर रहते हैं लेकिन हम एक पूरी आलमी उम्मत का हिस्सा हैं। हमें अपनी आलमी बरादरी से भी पूरी तरह जुड़ा रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी कमी हो गई है, बहुत बड़ी कमी हो गई है कि हम कट गए हैं वहाँ से। आम लोगों पर इसकी जिम्मेदारी ज़्यादा नहीं है, ये जिम्मेदारी तो उन लोगों पर है जो आम लोगों की तवज्जो को किसी तरफ खींच सकते हैं। यही मुल्क था हमारा जहां के मुसलमान पूरी तरह जुड़े हुए थे आलम इस्लाम से, और जब तुर्की में खिलाफत के निज़ाम को ख़त्म किया गया तो सबसे ज़्यादा उसका असर यहाँ के मुसलमानों पर पड़ा, और उन्होंने बहुत भरपूर कोशिश की, ज़बरदस्त तहरीक चलाई कि वो खिलाफत के निज़ाम बहाल। फिर उस जंग में जो बलकान की जंग कहलाती है, वहाँ के
मुजाहिदीन के लिए, उनके ज़ख्मियों के इलाज के लिए और उनकी हर तरह की इमदाद के लिए हमारे मुल्क के ईमान वालों ने दिल खोल कर माली तआवुन पेश किया और वो भिजवाया हुआ। एक रिश्ता जुड़ा हुआ था हमारा, लेकिन शैतानी ताकतों ने बड़ी समझदारी के साथ, होशियारी और अय्यारी के साथ उम्मत को अलग अलग छोटे 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 खित्तों में बांट दिया और हर इलाके के अहले इस्लाम को वहाँ के मुकामी मसाइल में उलझा दिया। बिलाशुबा मुकामी मसाइल भी तवज्जो के लायक हैं, लेकिन हमें अपनी आलमी बिरादरी से भी जुड़ा रहना है। मैं अल्लाह से इस बात की तौफीक मांगता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारे मुल्क के अहले इस्लाम भी इस मसले की तरफ मुतवज्जे हों, इस मसले की तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश में अल्लाह मेरा भी और आप सब का भी हिस्सा लगा दे। क्या मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूं? खिलाफ़ तवक्को आज जो खानकाह की मजलिस में इस मौजू पर मैंने गुफ्तगु की है, आप इसकी अहमियत को खुदा करे महसूस करें। आपकी ख्वातीन, आपके घरों की मस्तूरात, आपकी बच्चियाँ, आपके बच्चे, अब आप उनके सामने बैतुलमुक़द्दस की खबरों को लाइए, उनके तस्करे कीजिए। हम कट गए हैं अपनी आलमी बिरादरी से, ये बहुत बड़ी गलती है। एक ऐसी मौके पर जहाँ जुमे की नमाज में बेहतरीन कायदीन, और मैं क्या अल्फाज बोलूँ, आला तरीन सफ़े अव्वल के लोग मौजूद थे, लेकिन उन्होंने जुमे की नमाज में खुतबा देने और इमामत के लिए मुझे चुना। मैं बहुत इसरा कहता रहा कि ये बिल्कुल मेरा मनसब नहीं है। बैतुलमुक़द्दस के मुहाफिज़ीन यहाँ मौजूद हों, वहाँ एक हिंदी नजाद, एक अजमी वहाँ जुमे की इमामत करे, ये किसी तरह जायज़ नहीं है। मगर उन लोगों ने कहा कि कुछ नहीं, हम सुनेंगे, सिर्फ आप ही का आज खुतबा होगा। तो फिर मैंने इसरार किया कि एक शर्त पर मैं जुमे का खुतबा दूंगा कि नमाज आप पढ़ाएंगे। आप मुसलसल इस सिलसिले में फ़िक्रमंद रहिए। आप में जो उलमा और कुछ खवास हों, अपने इलाके के एतबार से मुझसे राबता कायम करें, ताकि मैं हर इलाके के अंदर एक शऊर, एक आगाही, एक बेदारी इस सिलसिले में एक हसासियत पैदा कर सकूँ। कुछ हमारा भी तो हिस्सा हो। अल्लाह करे कि हम सब एक बार कम से कम वहाँ हाजिर भी हो सके। अल्लाह एक बार पहुँचा दे। हमारे मुल्क के एक अजीम रहनुमा मौलाना मोहम्मद अली जौहर का ये नसीब है कि वो बैतुलमुक़द्दस के दरवाज़े में दफन है, वहीं उनकी कब्र है। और ये इस वजह से है कि उनके दिल को
में आग लगी हुई थी, आग, और पूरी उम्मत की इज्तिमाईयत, पूरी उम्मत की नशत सानिया, इसके लिए वो तड़पते थे। बड़ी कुर्बानियाँ दी, बहुत मेहनत की, बहुत जद्दोजहद की, बिलाखिर अल्लाह ने उनको ये इनाम अता फरमाया। तो हमारा एक नुमाइंदा वहाँ मौजूद है और उस शहर में दुनिया के हर मुल्क, हर कौम के मुस्लिम ख़ानदान वहाँ बसे हुए हैं। हमारे मुल्क से जाकर वहाँ बस जाने वाले ख़ानदान भी आज तक वहाँ आबाद हैं। मगर याद रखें, कौन कबूल होगा इन सब कामों के लिए? क्या इन तमाम गुनाहों के साथ लतपत हम रहें और फिर हमको अल्लाह इस मुकद्दस मिशन के लिए कबूल फरमा ले? तो पहली बात तो यही है कि सच्चे दिल से हम अपनी ज़िंदगी से गुनाहों को निकालें, हम तक़वे वाले बने, हम शरीयत की पाबंदी करने वाले बने, हम माल का सही खर्च करने वाले बने, हम वक्त का सही इस्तेमाल करने वाले बने, हम अच्छी तालीम लेने वाले और बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत देने वाले बने। एक बेदारी, एक उमंग, एक हौसला, एक आज़म, गैरत, एक हमीयत हमारे अंदर पैदा। दिलो जान से दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमन्नाओं को कबूल फरमा ले और हमें इस मिशन में हमारा हिस्सा लग जाए कि उस ज़मीन पर इंसाफ कायम हो जाए। क्योंकि ये ताज़ा यकीन लेकर मैं वापस आया हूँ, ये यकीन पहले भी मेरे अंदर था लेकिन दरमियान में ज़ुहूल का शिकार हुआ। मैं इस मौजू पर लिख भी चुका हूँ, बोल भी चुका हूँ, लेकिन मैं अपनी गलती का एतराफ़ करता हूँ। लेकिन एक सबक भूला बसरा शायद वो ताज़ा हुआ इस सफ़र में, वो ये कि पूरी दुनिया में अमन व इंसाफ के क़याम की कोशिशें तब कामयाब होंगी जब पहले वहाँ अमन व इंसाफ के क़याम की कोशिशें कामयाब हो जाए। वहाँ अल्लाह के बंदे, अल्लाह की बंदियाँ, नौजवान लड़के और लड़कियाँ, बच्चे और बच्चियाँ गुलाब की तरह हसीन, नरम नाज़ुक फूल, और वो किस तरह जान की बाजी लगाए हुए हैं उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। अल्लाह को इज़्ज़ल्ला हमको भी उस अज़्म व हौसले का, उस बहादुरी का, उस वफा का, उस जुरत और बेबाकी का, शौक़ शहादत का कोई ज़र्रा अल्लाह हमें भी अता फरमा दे। अल्लाह ताला नेक तौफीक हम सबको अता फरमाए। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकअल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فلا تجعلنا من الخاسرين، فلا تجعلنا من الخاسرين، فلا تجعلنا من الخاسرين. اللہ ہم آپ کے بندے، آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں،
नफ्स शैतान के डसे हुए आपकी पकड़ से डरे हुए आए हैं। अल्लाह, हमको तो इसका भी इस्तेहक़ नहीं था कि हम दीन के मजलिसों में शरीक होते। आपकी कसम, हमने ऐसी हरकतें की हुई हैं रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, कि अगर हम किसी अच्छे माहौल की तरफ बढ़ने लगें और फरिश्ते हमें रोक दें और हमें थप्पड़ मार कर भगा दें और ये कहें कि कमीने, तेरा उस मजलिस में बैठने का कोई जवाब नहीं है, तू फासिक व फाजिर है, तू नाफरमान है, तू गुनहगार और ख़ताकार है, तो यकीनन ये बेजा नहीं होगा। मगर आप रहमान भी हैं, रहीम भी हैं, आप सत्तार भी हैं, गफ्फार भी हैं। हमें इसके लिए किसी और दलील की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ हमारा वजूद आपकी सत्तारी की दलील है। आप सत्तार न होते तो हम यहाँ न होते। हमारे बदन से गुनाहों की बदबू ऐसी फैल रही होती कि कोई हमारे पास बैठने पर राज़ी ना होता। जब आप सत्तारी का मामला करके यहाँ तक छुपाए हुए हैं तो एक दरख्वास्त है, अल्लाह मरते दम तक छुपाए रखिएगा, मरने के बाद भी छुपाए रखिएगा, कब्र में भी छुपाए रखिएगा, मैं रोज़े महशर भी छुपाए रखिएगा। अल्लाह रोज़े महशर तो सारी इंसानियत देख लेगी, माँ भी देख लेगी, बाप भी देख लेंगे, उस्ताद भी देख लेंगे, शागिर्द भी देख लेंगे, रिश्तेदार भी देख लेंगे, पड़ोसी भी देख लेंगे, मुक्तदी भी देख लेंगे, इमाम भी देख लेंगे। और अल्लाह, अगर अल्लाह के रसूल की नज़र पड़ी तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी? ये मेरे उम्मती हैं जिनके लिए मैंने पेट पर पत्थर बांधे, घरों में चूल्हे चंडे रहे, इन उम्मतियों ने क्या किया है? अल्लाह माफ़ कर दीजिए, अल्लाह माफ़ कर दीजिए। अल्लाह, आज नए साल का पहला दिन है, ए अल्लाह पिछले साल के गुनाहों को माफ़ कर दीजिए, और ये नया साल, ए अल्लाह इस नए साल में हमको नया ईमान दे दीजिएगा, नया तकवा दे दीजिएगा, ए अल्लाह इस नए साल में हमको नई तौबा दे दीजिए, अल्लाह इस्तिकामत दे दीजिए। अल्लाह, एक साल और गुजरा, एक साल और अपनी कब्र से हम करीब हो गए, अपनी मौत से करीब हो गए, अल्लाह इस गफलत को आफियत के साथ दूर कर दीजिए। ए अल्लाह, इस पूरे मजमे में कितने ऐसे गरीब होंगे जो बड़ी मुश्किल से उधार पैसा लेकर आए होंगे, अपने घर में बीवी या बच्चों को में से किसी को बीमार छोड़ कर आए हो, निकलते वक्त उनकी बीवी ने या माँ ने किसी ने कहा होगा कि जा रहे हो बेटा मुझे भी दो, याद रखना। ए अल्लाह, इनमें कितने अच्छे बंदे होंगे आपके, आपको पसंद होंगे। इनमें ऐसे बूढ़े भी हैं ए अल्लाह जिनकी दाढ़ियाँ सफ़ेद हो चुकी हैं, और आपने चूँकि कह रखा है कि कोई सफ़ेद दाढ़ी वाला कोई बंदा, सफ़ेद बालों वाला कोई बंदा या बंदी मेरे सामने हाथ फैलाते हैं तो मैं खाली हाथ वापस करते हुए मुझे शर्म आती। अल्लाह, इनमें ऐसे नौजवान भी तो होंगे जो बड़ी मुश्किल से इस नाजुक उम्र के दौर से गुज़र रहे हैं, बड़ी मुश्किल से अपने को गंदगियों से बचाने का की जद्दोजहद कर रहे हैं। ए अल्लाह, हमारे इन अजीज़ बच्चों को बचाए रखे, इन नौजवानों को बचाइए अल्लाह, यही नौजवान उम्मत का मुस्तकबिल, अल्लाह इन्हीं के इज्जत पर हमारी इज्जत का दारोमदार। ए अल्लाह, ये क्या करें, चारों तरफ औरियानियत,
चारों तरफ बेहूदगी, बेहयाई, नंगापन। अल्लाह बड़े सख्त इम्तिहान में हैं ये, ए अल्लाह इनको इस्तिकामत दीजिए, कामयाबी अता फरमा। ए अल्लाह भाग भाग कर ये आते हैं, न जाने कहाँ कहाँ से आते हैं, दूर दूर से आते हैं, किस लिए आते हैं अल्लाह? ये तो वादी गैर जी जरा है, यहाँ न कोई बाजार है न कोई तमाशा गाह है। ये इसलिए आते हैं, इस उम्मीद पर आते हैं कि चले वहाँ बैठेंगे सबके बीच में, आमीन कहेंगे तो हमारी भी मग़फ़िरत हो जाएगी। ये अल्लाह इनके गुमान की लाज रख लीजिए, इनके गुमान की लाज रख लीजिए। अल्लाह आज माफ़ कर दीजिए, आज माफ़ कर दीजिए, आज माफ़ कर दीजिए। अल्लाह आज माफ़ कर दीजिए, अल्लाह आज माफ़ कर दीजिए, अल्लाह आज माफ़ कर दीजिए। जो आँखें काबे को देख कर आई हैं, अल्लाह अब उन्हें कभी किसी गलत चीज़ को देखने की हिम्मत न हो। अल्लाह बचा लीजिए उन आँखों को, जो पैर बैतुल्लाह में चल कर आए हैं, आपके घर का तवाफ़ करके आए हैं, सफ़ा मरवा के चक्कर लगा कर आए हैं। अल्लाह उन कदमों को हराम रास्तों पर मत चलने दीजिएगा। अल्लाह दौड़ दौड़ कर नमाज़ें पढ़ने वाला बना दीजिए, रुकू सजदे में गिर कर आपसे माफ़ी मांगने वाला बना दीजिए। एक बार इस पूरे मजमे को आपकी बंदियां और बंदे एक बार रहमत की नज़र से देख लीजिए। अल्लाह आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा काम बचे। अगर आपने गुस्से की नज़र से देखा तो अल्लाह हम हलाक को बर्बाद हो जाए, हम तबाह हो जाए, हमारे नजात का कोई इम्कान ही नहीं रहेगा। अल्लाह अपने गुस्से से बचाए रखिए, अपने गुस्से से बचा रखिए। अल्लाह जहन्नम की आग से बचा लीजिए। अल्लाह वो सांप और बिच्छू जो कब्र में डसेंगे, जो खून और पीप पिलाया जाएगा जहन्नमियों का, हे अल्लाह, हे अल्लाह, हक तो नहीं है मगर आपने ये कब कहा है कि हक वाले ही मुझसे मांगा करें? आपने तो कहा है कि गुनहगारों तुम भी मुझसे मांगो, मैं सिर्फ नेकों का रब नहीं हूँ, मैं तुम्हारा भी रब। अल्लाह बंदे तो आपके बहुत हैं मगर रब तो हमारा आपके सिवा कोई नहीं। अल्लाह पाक साफ जिंदगी दे दीजिए, अल्लाह पाक साफ जिंदगी दे दीजिए, अल्लाह तकवे से आरास्ता जिंदगी दे दीजिए। अल्लाह अल्लाह मजलूमों की मदद के लिए खड़ा हो जाने वाला बना दीजिए, जुल्म के मुकाबले के लिए डट कर खड़े होने वाला बना दीजिए। ऐ रब्बे करीम, मस्जिद अक्सा को, उसके नमाजियों को, उसके मुहाफिजों को हमारा सलाम पहुंचा दीजिए। ऐ अल्लाह एक झोंका चला दीजिए वहां से, एक झोंका ऐ अल्लाह जो हमारे दिलों के अंधेरों को दूर कर दे, अल्लाह जो हमारे दिलों की तारीकी को दूर कर, अल्लाह हम तंग आ गए हैं, अल्लाह थक गए हैं, सुबह को तौबा करते हैं शाम होते होते टूट जाते हैं, कब मिलेगी इस्तिकामत? अल्लाह बुढ़ापा आ गया, कमर टेढ़ी हो गई, बाल सफेद हो गए, अभी भी इस्लाह नहीं हुई। अल्लाह हमें संजीदा बना दीजिए, अल्लाह
अल्लाह हमारी पेशानी के बाल पकड़ के अल्लाह हमें तकवा दे दीजिए। अल्लाह अपने महबूब की उम्मत को इज्जत नसीब फरमा, इज्जत नसीब फरमा, गलबा नसीब फरमा, फतेह नसीब फरमा, कामयाबी नसीब फरमा। ए अल्लाह हमारे अजीज तलबा यही इस कमज़ोर की उम्मीदों का मरकज़, ए अल्लाह यही है उम्मीदों का मरकज़, यही उम्मीदों का मरकज़ है, इन्हें उलमाए रब्बानीयीन बना दीजिए। अल्लाह अल्लाह इनको आशिक़े कुरान बना, अल्लाह इनको दाईये कुरान बना, दाईये हक बना, अल्लाह इनको राहे हक का गाजी बना, राहे हक का गाजी बना, राहे हक का गाजी बना। ए रब करीम अपने करम से ए अल्लाह हरमैन शरीफ़ैन की बरकतें नसीब फरमा, तीसरे हरम की बरकत नसीब फरमा। अल्लाह हमको तीनों हरमों की ज़ियारत नसीब फरमा, तीनों हरमों की हाज़िरी नसीब फरमा, तीनों हरमों की खिदमत की तौफीक अता फरमा, तीनों हरमों की खाकरूबी की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह ए अल्लाह ए अल्लाह बावजूद तमाम नजासतों के आपने अपने हरम की हाज़िरी अता फरमाई, अपने महबूब के हरम की हाज़िरी अता फरमाई, गुम्बद खजरा को देखने और सलाम पढ़ने की सआदत नसीब फरमाई। हम इसके भी मुस्तहिक न थे, रौज़तुल जन्नत में हाज़िरी देकर पहुँचा कर वहाँ सजदे रुकू करने की तौफीक दी। ए रब्बे करीम जन्नत की क्यारी में तो आपने पहुँचा दिया, बिला इस्तेहकाक अब जन्नत में भी पहुंचा दीजिएगा, अब जन्नत में भी हम सब को पहुँचा दीजिए। अल्लाह हम सब वहाँ इकट्ठा और जमा हों, बेहिसाब किताब जमा हों और कदम चूमें सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन के, कब वो दीदार होगा उनका। अल्लाह हम ऐसे दौर में हम पैदा हुए कि हम उनको देख ना सके, क़यामत के दिन आपने अगर हमको अंधा खड़ा कर दिया तो हम वहाँ भी उनको न देख सकेंगे। अल्लाह इस दोहरी महरूमी से बचा लीजिए, इस दोहरी महरूमी से बचा लीजिए। अल्लाह नबियों की ज़ियारत अता फरमा, अल्लाह सहाबा की मुलाकात का शरफ़ अता फरमा। अल्लाह कितना दिल चाहता है सिद्दीक़ अकबर को देखें, जिनके बारे में हुजूर ने कहा कि मैं सबके एहसानों का बदला चुका दिया, अबू बकर के एहसानों का बदला मैं नहीं चुका सका। ए अल्लाह ए अल्लाह ज़िंदगी ऐसी गुजारने की तौफीक अता फरमा कि मौत के बाद ए अल्लाह बेहिसाब किताब आप मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमा। ए रब करीम हमारे अलग अलग जो इंफरादी मसाइल हैं, जो परेशानियां हैं, जो उलझने हैं, जो ज़रूरतें हैं, हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। अल्लाह हमारी उन परेशानियों को दूर फरमा दी, उन उलझनों को दूर फरमा दी, उन ज़रूरतों को पूरा कर दी, उन मसाइल को हल कर दीजिए। और अल्लाह हमारे सबके मुश्तरका और इज्तिमाई जो मसाइल हैं, जो परेशानियां हैं, अल्लाह उन मसाइल को भी हल कर दीजिए और उन परेशानियों को भी दूर कर दीजिए। बारे इलाहा एक बार हम सबको रहम की नज़र से देख लें, काश के हम ये मानने के लायक होते कि आप मोहब्बत की नज़र से देख लीजिए, मगर डर लगता है मोहब्बत की नज़र मांगते हुए। आपको गुस्सा आ सकता है, आप जवाब में कह सकते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है कि तुम मुझसे मोहब्बत की निगाह मांग रहे हो, मेरी मोहब्बत की नज़र पड़ती थी
अबू बकर, उमर, उस्मान, अली पर, बिलाल पर, खब्बाब पर, सुहैब रूमी और बिलाल हबशी पर मेरी मोहब्बत की नज़र पड़ती थी। खानवादे नबुवत की पाक बीबियों और बेटियों पर मेरी नज़र मोहब्बत की तुम जैसों पर नहीं पड़ सकती। हमें एतराफ़ है अल्लाह, हम कहाँ और कहाँ आपकी मोहब्बत की नज़र। हम बस इतनी गुजारिश है कि रहमत की नज़र डाल दी, उससे महरूम न फरमा, उससे महरूम न फरमा, उससे महरूम न फरमा। अल्लाह यहाँ जो भी काम हो रहे हैं उनको कबूल फरमा लीजिए, उनकी खामियों को दूर कर दीजिए, उनको और आला मयार का बना दीजिए। और अल्लाह जो इल्म व इबादत का जो मरकज़ बन रहा है, अल्लाह जल्द से जल्द उसको मुकम्मल करवा दे, उसके इल्म व ज़िक्र से आबाद कर दे। अल्लाह अपने ऐसे बंदों को मुतवज्जे कर दीजिए जो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें, उनको कबूल फरमा लीजिए, उनको ज़रिया बना दीजिए। ए रब्बे करीम, अपने करम से जो मांगा है वो भी अता कर दीजिए, जो नहीं मांग सके, मांगना चाहिए था अल्लाह वो भी अता कर दीजिए। एक आखिरी गुजारिश ये है कि हम सब खताकारों के नाम लेकर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हम सब की तरफ से दुरूद व सलाम भिजवा दीजिए, उन पर और उनकी आल पर, उन पर और उनके अहले बैत पर, सहाबा और सहाबियात पर, अज़वाज मुतहरात पर, ज़ुर्रियत तय्यबा पर, और उनके नक्श कदम पर चलने वाले तमाम सालिहीन और सालिहात, तमाम औलियाउल्लाह पर, और उन्हीं के रास्ते पर जीने और मरने की हम सब को तौफीक अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सैयदना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाइन برحمتك يا أرحم الراحمين.